देख लीजिए, यही वो लोग हैं जिसके दौरा बनाने से आप छठी मैया का पूजा करते हैं। आ यही लोग है जिसके जिसके डाला से आपका शादी और विवाह होता है। उस समय यह छूत नहीं है। जो अजगरवा का मनोज शाह है वो बाबा धाम से 1000 पीस दौरा लाया है और यहाँ वो सस्ता रेट में बेच रहा है। लोग के दूरा पर लोग जाता है तो बोलता है ऐसे तो दूर रहो, अलग रहो, मत ढुको, अलग रहो। डाला मालवा में जाला तो ठीक बा। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। जाने से, लेने से, छूने से वो छूत हो गया। एक ठो बिजनेस बच गया है तो ऊपर लोग सब अति भीड़ गया है। ऐसे हम लोग बनाएंगे, हम लोग का भी बिजनेस भी ए भी बिजनेस हम लोग का खत्म हो गया। दिन हमी के डोम जाती बानी आए अच्छा मार लोग बा, धोबी लोग बा, दुसाद लोग बा, उलो कुछ का दुकान कह दी तो चल जाए। हम लोग के हाथ तो कौन किन। छठ बिहार का बहुत ही महान पर्व माना जाता है और है भी। तो इसी सिलसिले में हम अभी इस रास्ते से गुजर रहे थे तो हमको दिखा है कि दौरा, सिपली, तमाम तरह की चीजें बनाई जा रही है जिसमें छठ में ये लगता है और इसके बिना छठ हो ही नहीं सकता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। महत्वपूर्ण चीज लगता है वो है दौरा, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यही दौरा है। इसी दौरा में बहुत सारी वस्तुएं रह करके घाट पे जाया जाता है और इसे छठी मैया की पूजा की जाती है। लेकिन हम ये चीज आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो भी लोग इस दौरा का निर्माण करते हैं, जो ये दौरा बनाते हैं, डगरा बनाते हैं, सिपली बनाते हैं, तो क्या उनकी क्या स्थिति है और वो कितना समय लगता है इसको बनाने में, क्या उनको मुनाफा हो पाता है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम अशोक कुमार हुआ सर। कितना टाइम लगता है एक दौरा बनाने में? सर दौरा तो एगो बनाने में दिन भर हम लोग अगर दोनों फैमिली मिलकर, पत्नी और हम मिलकर बनाएंगे तो सर एक दिन में एगो दौरा तैयार कर सकेंगे। कितना में बिक रहा है सर? आज के डेट में पूरा प्लास्टिक का बर्तन हो गया है, लोग पितरिया बर्तन खरीद रहा है लोग, और रह गया कि लोग बाबा धाम का भी यहाँ दौरा लाकर बेच रहा है लोग। हम लोगों को सर कोई बिजनेस नहीं रह गया। अगर ये बताइए, अगर एगो दौरा हम अगर 200 में बेचते हैं यहाँ तक, हम लोगों को फैमिली का गुजर चल जाता है इसमें? दलित को 4 डिसमिल जमीन मिलना था जी, नीतीश जी घोषणा किए थे जी, नहीं मिला आज तक? मिला है सर, 3-3 डिसमिल जमीन मिला हुआ है बांध पर, जहाँ काक कौआ रहने का साधन नहीं, दाहर में पूरा पानी जमा हो जाता है वहाँ। कुछ नहीं के कमाते सरकार हम लोगों को कोई बात का सुविधा नहीं देता है सर। यही जो आप बताइए क्या दिक्कत है जी? दिक्कत यही है कि हम लोग पूरा परिवार इस दौरा को बनाते हैं, ठीक है। मिनिमम है कि एक या दो कभी बन गया फास्ट में काम किए तो वो 200 या 300 लोग कमाते हैं, तो पूरा परिवार मिलकर हम लोग कमाते हैं। और उसे अनलिमिटेड है कि मतलब कि कभी बिक्री हुआ कभी नहीं बिक्री हुआ। नहीं बिक्री हुआ जिस दिन हम लोगों को मतलब कि खाना पीना खरीद कर रोज प्रतिदिन हम कमाते प्रतिदिन खाते, उसमें दिक्कत होता है। जात की संख्या कम है, हम लोग विरोध करेंगे तो मारामारी करना पड़ेगा। इसके लिए बिजनेस तो पर सरकार प्रतिबंध लगाया हुआ नहीं है, ख्याल हम लोगों का जो है वो करते हैं, लेकिन लोग मानता इस चीज़ को नहीं है। हाँ कितना लोग कहता कि गलत किया, लेकिन वो कहने भर से नहीं ना होगा। ये देखिए यहाँ का अजगरवा का तुरा है जो बाबा धाम का ऊपी वाला दौरा लेकर बेच रहा है, उसमें बनिया से मुनाफा कमा रहा है। हम लोग इतना रात दिन मेहनत किए हैं, हम लोग को विश्वास है कि 10 रुपये हम कमाएंगे, अपने बच्चों को कपड़ा खरीद पाएंगे, तो लेकिन हम लोगों को भी ख्याल हो टूट गया, विश्वास टूट गया है कि यार बिक नहीं रहा उतना, तो हम कैसे अपने बच्चों को कपड़ा किएंगे, दिवाली किस तरह मनाएंगे, छठ। बिहार में बिहार का दौरा यूज नहीं हो रहा है? यूज हो रहा है, बहुत कम हो रहा है लोग। अब बताइए यहाँ का जो अजगरवा का मनोज शाह है वो बाबा धाम से 1000 पीस दौरा लाया है और यहाँ वो सस्ता रेट में बेच रहा है, क्योंकि वहाँ उसको सस्ता मिलता है। तो जो भी लोग छठ कर रहा है तो उससे क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ तो उनसे कहना चाह रहे हैं कि जो छठी माता का जो बर्तन पूजा जो होता है दौरा सुपली में होता है, निश्चित है उनको दौरा ही सुपली में करना चाहिए, लेकिन लोग अपने स्वार्थ के लिए पीतल का कठरा खरीदते हैं लोग, कोई लोग अथी बनवाते हैं, कोई छैटा खरीद रहे हैं, तो उनका मर्जी है। उनको बोल हम लोग बोलते हैं कभी काल तो बोलता है कि हम पवनी भी करेंगे, पर्व भी और हमारा काम भी है। ये आप जो दौरा बना रही हैं तो ये कहाँ से बांस कहाँ से आता है? यहाँ तो बहुत बांस दिखाई दे रहा है, यही बांस में से काटती है? ना दूर दूर से कटा के आवल है। कहाँ से? ये अपना बांस का है कि खरीद के? खरीद के 250 के बिका, 250 हम लोग बनाते हैं, 2-4 अब बिक्री करते हैं। खरीद के ले आते हैं? कितना में एगो बांस मिलता है? 200 में। आई कोई को दौरा बन जाता है? दो तीन को बना ले, तीन को दो ऐसे ही बन सकल है। हाँ मैंने तीन जितना मोटा बांस होता है ना तो दो को तीन को बन जाता है। तो क्या लग मजदूरी निकल जाले हमें? मजदूरी कहाँ से निकल ले, बाले बच्चे कमाई ले सता 500-400 रुपया में खर्चा चल जाए।
ना चली ना चली के बीमारी यही में दुख बीमारी सब सामान किन के खाए के बाद डोम जाती बारी सब चीज खरीद आई है कहां के नहीं है के बाद कहां से सरकार से कोनो सुविधा हमने तो मिलल जा से हर बार बार जाते नौकरी चाकरी के कोनो रोजगार मिलो कोनो बिजनेस मिलो कि हमने कर कोनो नौकरी चाकरी मिले बार बार क्या हमने के गर्जियन लोग पढ़ल वाली हमने के जमीन जाथा नहीं के मिलल नहीं इंदिरा आवास मिलल बना कुछ मिलल बाटे तो नीतीश कुमार तरुग वाले उनके जमीन दे लेन बा जमीन दे ले बरन तब के के दे ले बरन अब के नहीं खान दे सुन ली नहीं इंदिरा आवास मिलल बा हमने के लोगों का ये कोई बिजनेस छोड़कर अगर दूसरा कोई बिजनेस हम लोग करेंगे अगर सब्जी बेचते हैं चाहे कपड़ा बेचने के लिए जाएंगे तो कोई लोग हमसे खरीदेगा नहीं सर। अच्छा काहे कि लोग जात पर भाव है तो हम लोगों से रखता है। अच्छा। कोई अगर हम सब्जी बेचेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा सर। पढ़े लिखे हैं जी हाँ पढ़े लिखे हैं मैट्रिक किए हैं सर। तो नौकरी उकरी नहीं कुछ नहीं है सर हम लोगों को नौकरी के लिए तो बहुत सारा हम लोगों को प्रयास किए लेकिन सर हम लोगों को कोई साधन नहीं है कहीं पैसा का मांग होता है कहीं कोई रुपया लोग दे रहा है लेकिन हम लोगों का बिजनेस वो है कि तो आप महादलित में आते हैं नीतीश कुमार कहते हैं कि महादलित के लिए हम बहुत सारा योजना लाए हैं क्या क्या योजना जी, है जी, हमको भी उतना याद नहीं तो कोनो योजना मिला है आप? सर सरकार का योजना वो कहते हैं लेकिन हम लोगों को मिलता नहीं है सर। हम लोगों को मिले तब ना हम लोग जानेंगे कहाँ जाता है वो सारा योजना का? अब योजना तो उन्हीं को ना पता होगा कि योजना वो कहाँ भेजते हैं कहाँ आता है सर। हम लोग किसी से अगर पूछते भी हैं कि सर कहाँ जाता है घसगोला में जाए भीतरी पति में खोकोला में जाइबा खोकोला में हां हम जाइबा केकरा खोकोला में जाता पार्टी सर ले जाइबा आके में सा खा जाइता का जाइबा हमरा के हमर यार मार जाइबा रह गया बात सर कि अगर हम लोग जा रहा है हम लोग भूखे मरेंगे हम लोग अब लोग जो लोग सब बेच रहा है अब डोम का जो बिजनेस है वो लोग बेच रहा है अब हम लोग का जो भी बचा वो भी खत्म हो गया है अब हम लोग को क्या होगा पुश्तैनी बिजनेस है हजारों साल से मतलब आ रहा है जी तो फिर कैसे ले रहा है दूसरा लोग अब लोग यदि झगड़ा अब कितना हम लोग बोल रहे हैं आ लोग बेचैता हमने का दुख होता हमने का सौदा ना बिकाता हमने का घूम के घर में चल आवता अब हम भूखे में हम के ना खाला बा हम पीटर ये लोग बर्तन लोग किने सर तो ई कथी किनी लोग दब रहे हां ओमे लोग किन के लोग पबनी लोग को लईता कि नहीं से काटना नहीं से के को बात कहना चाहेंगे सर बोला हां सिखावे जाओ हमनी के गरीब के भी देखे बा हम के हमनी के सब खाया बिना तो मत लई बा महंगी बढ़ाई बा सरकार से हम यही कहना चाहेंगे अगर हमारे उनका अगर हमारे जो न्यूज अभी जो आप लोग न्यूज ले रहे हैं अगर उनके तक वहां पहुंचेंगे तो हम यही एक बात कहना चाहते हैं सरकार से कि ये जो बिजनेस हम लोगों का दौरा का जो है वो बहुत पुराना मतलब बाबा दादा के से आ रहा है सर लेकिन इस बिजनेस से हम लोगों का पेट नहीं चलने वाला है हम लोगों को बचा नहीं पड़ पाएगा सर। सरकारी स्कूल में हम लोग नाम लिखाते हैं और पढ़ाते भी हैं लेकिन वहाँ अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं होता है वहाँ नहीं होता है सर। वो जो अभी का डेट में हम लोग जो सरकारी से पढ़े लिखे हैं हम लोगों को मार्कशीट कम है यानी पढ़ाई हम लोगों के जो है इसे वो कमज़ोर है सर। आज के डेट में वो नहीं रह गया आज के डेट में कंपटीशन परीक्षा है जो भी प्रक्रिया चल रहा है तो प्राइवेट में अपने बच्चा को पढ़ा रहे हैं। आरक्षण भी तो मिलता है आप लोगों को क्या आरक्षण है आरक्षण तो कहने का नाम है लेकिन सारा रह गया कि पैसा क्या बदौलत अगर आप क्या कह जी क्या मैं ये कहना चाहूँगा जहाँ तक आरक्षण की बात है तो मतलब कि हम लोग पढ़े लिखे हैं जी हम बीए पास तक है बीए पास है बीए पास है एलएनडी कॉलेज से साइकोलॉजी ऑनर्स है सेक्शन 2011 से है 14 क्या नाम हुआ आपका मेरा नाम हुआ नीरज मलिक नीरज मलिक है आई साइकोलॉजी ऑनर से बीए पास है नौकरी कुछ नहीं ट्राई उराई नहीं किए ट्राई उराई किए फॉर्म वॉरम भरे हाँ। आज एक बार टोला सेवक की भी आया था हाँ। तो अंदर अंदर हो गया कई बार चक्कर लगाए थी का पत्ते नहीं चला कि कर फॉर्म भरा है बीओ तक उसमें बहुत लोग का हुआ लेकिन मेरा नहीं हुआ वहाँ पैसा की मांग था समाज से हुआ उसमें धोबी है चमार लोग हैं अदर लोग हैं उनको आरक्षण सामान मिलता है डोम का भी सामान मिलता है अच्छा। सब जाति से पिछड़ा हुआ उन लोग से आपको ज्यादा मिलना चाहिए आरक्षण मानते हैं कि हमारा ज्यादा डोम है तो ज्यादा मिलना चाहिए देखिए अंतर यही है क्या
लेकिन यहाँ पर आरक्षण हम लोग को मिलना चाहिए, सबसे पहले हम लोग को मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए जी, मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग डोम है जात के, डोम है जात के, सबसे नीच जात के, कोई भेदभाव बहुत सारे आदमी अभी रखता है। आप नीच का, आप तो राजा है भाई, बनारस में डोम राजा, राजा है, राजा कहने के लिए है, करने के लिए नहीं है। नजर में तो नहीं, देखिए हम लोगों को क्यों मिलना चाहिए आपको एक बताता हूँ। जाए छुआ छू मकान उधर राजा बारी देखे बड़ी है, तुतली मोड़ी बा झोपड़ी में रही थी, दूसरा बिजनेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग मिठाई बेचे, पान बेचे, जो भी बेचे, पानी का बोतल बेचे, इसमें हम लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि भावना अंदर बैठ गया कि छुआ अछूत है, तो हम लोगों के निर्भर इस बिजनेस पर है। क्या चाहते हैं लोग का बिजनेस आप नहीं करिएगा, लोग आपका बिजनेस कर लेगा तो वो भी तो अछूत हो जाएगा, लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं। हम तो ये कहते हैं हमी का डोम जाति बानी आए, अच्छा मार लोग बा, धोबी लोग बा, दुसाद लोग बा, वो लोग कुछ का दुकान कह दी तो चल जाए, हम लोग के हाथ कौन किन कौनो ना किन, तो रउवे हाथ से बनावल दौरा के दौरा भी ना जाए, मगर आप कुछो ना लोग किन, रउवे डाला बनाला से लोग के बियाह हो सब हो जाए, में जाले मगर सब्जी का दुकान कह दू, मोर मिठाई का दुकान कह दू, तेल सब कौनो चीज के ना किन, खाली ये बिकाय दोसर कुछो ना बनावले, ओइने आनी डाला दौरा बनाले ना तो बकी दिन तो कर्जा और जकार के खा ले सफेन काती कर लगन का मान संता उ सधाए ना कोई बिजनेस ना कोई नौकरी चाकरी कुछ नहीं हम लोग का क्या सब सुनाल जाता है कि भाई हम लोगों के पास कोई चीज है नहीं भाई कुछ नहीं के हमनी के बैंक भी लोन नहीं देता है कि आदमी उत्थान कर पाए क्योंकि मेरे पास जमीन उतना नहीं है पैसा नहीं है उनको विश्वास नहीं है कि हाँ इसको देंगे पैसा तो लेकर भाग जाएगा हो सकता है ऐसा भी देख लीजिए यही वो लोग हैं जिसके दौरा बनाने से आप छठी मैया का पूजा करते हैं आ यही लोग है जिसके डाला से आपका शादी और विवाह होता है उस समय यह छूत नहीं है आज यह छूत है ये मिठाई बनाएगा सब्जी बेचेगा तो आप कहिएगा कि अछूत बेच रहा है लेकिन इसी आदमी का डाला दौरा ले जाके ब्याह करिएगा घर में सारा काम करिएगा उस दिन ये अछूत नहीं होगा। लोग के दूरा पर लोग जाता है तो बोलता है तो दूर रहो अलग रहो मत ढुको अलग रहो डाला मालवा में जाला तो ठीक बा हाँ वो ठीक है वो ठीक है जाने से लेने से छूने से वो अछूत हो गया पानी धो के साफ हो जाए लेकिन हम लोग शुद्ध नहीं हम लोगों को लोग अशुद्ध मानता है लोग वो बर्तन ले जाएगा ना लोग दौरा अगर ले जाता है चाहे डाला ले जाता है तो उसको पानी से धो देंगे तो हम समझेंगे कि ये शुद्ध हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग क्या होना चाहिए भाई हम लोग का काम मिलना चाहिए हम लोग पढ़े लिखे है मैट्रिक पास है हम लोग का कोई ना कोई काम मिलना चाहिए। सर कितना है हमारे बिरादरी का आदमी कि देख रहा है फलना पढ़ लिया है उसको कुछ नहीं हुआ है और लोग बच्चा को पढ़ने नहीं देता है कि बेरोजगारी और बढ़ेगा वो अपना बिजनेस कोई करेगा काम सीखेगा बाहर जाएगा कौन नहीं है तो सरकार इस पर देख नहीं रहा है तो हमारा और भी सरकार से ऐसी है कि हम लोग अछूत के दृष्टि से देखे जाते हैं कोई बिजनेस करेंगे तो नहीं चल पाएगा इसलिए सरकार को कोई नौकरी दे हम लोगों को कि हम लोग समाज में भी जागरूक लोग हो स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो कोई दिक्कत बच्चा उच्चा को ना उसमें कोई दिक्कत नहीं समांतर हाँ समांतर बैठता है छूत उसमें नहीं मानता है लोग दिक्कत वाला बात नहीं है। सबसे बड़ा बात कि आप लोग इनके व्यवसाय को छीन के कुछ पैसों खातिर इन लोगों के रोजी रोटी पर आप लात मार रहे हैं आखिर कहाँ जाएगा ये सब कहाँ जाएगा ये लोग बाबा धाम से दौरा लिया तो हमनी के एको को दौरा बिक्री नहीं के हो पाए उनका दौरा सबसे लोग हमनी के दौरा सब तो जो लोग छठ व्रत कर रहा है उससे भी हम यही कहेंगे कि जो हमारे अगर परंपरा से चला आ रहा है बांस का दौरा उसी का आप लोग उपयोग कीजिए कम से कम अगर आप पर्व कर रहे हैं तो इस चीज का भी ध्यान रखिए कि अगर आप एक किसी का दौरा खरीदते हैं तो उसको भी घर में उसके बच्चे को भी कपड़ा खरीदा सके उसका भी बच्चा घाट पर जा सके ही नहीं कि सिर्फ अपना ही बच्चा घाट पर जाए और अपना ही बच्चा नया कपड़ा पहने कम से कम इन लोगों का जो बच्चा है उस पर भी ध्यान दीजिए
लोगों का बच्चा भी नया कपड़ा पहन सके, क्या गलत कर रहे हैं? जी सही है, एकदम सही है। हम लोगों को बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोग करे और अपना परवरिश सही ढंग से कर पाए और बच्चों को अच्छा आगे बढ़ाने का कोई काम करे। तो इन लोगों को भी मौका दिया जाए ताकि ये लोग भी 10 रुपया कमाए और अपने बच्चे को आगे बढ़ाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट।